आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। हम धन्यवाद करते हैं कि बीती रात में परमेश्वर ने हमें संभाला। न जाने कितने लोगों ने आज की सुंदर सुबह को नहीं देखा, पर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये आपकी दया, ये आपका अनुग्रह है कि आपके अनुग्रह से हमने आज की सुंदर सुबह को देखा। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर सुबह में, और परमेश्वर के जीवित वचन से हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103:13 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जैसे हमारे माता पिता हम पर दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हम पर अपनी दया को हमेशा बनाए रखता है। लोग हमें फोन कॉल्स और मैसेजेस करते हैं, आप उन्हें भी परमेश्वर पिता उनकी सुधि लेकर उनकी प्रार्थना को उत्तर दें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया। आज की सुंदर सुबह को मेरे पिता हम हर एक जन को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि आप हर एक जन को पिता परमेश्वर इस नई सुबह में प्रभु अपने नए अनुग्रह से भरे। प्रभु जी आप हर एक को प्रभु एक न्यू एनर्जी दे। परमेश्वर पिता आप हर एक को शैतान की युक्तियों से आज पूरे दिन भर में बचाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हर एक के जीवन से प्रभु आपके आदर और महिमा हो। प्रभु जी धन्यवाद, आप अच्छे भले हैं प्रभु, दयालु परमेश्वर हैं, और प्रभु हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। पिता आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा प्रभु हम सबके जीवनों से होने पाए। प्रभु जी पिता मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु हर एक जन के लिए, प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को आपकी उपस्थिति में रखते इस सुंदर सुबह में प्रभु हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु जी पिता हम प्रार्थना करते हर एक के परिवार के लिए प्रभु कि आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपकी दया हर एक के जीवन में बनी रहे। प्रभु जी प्यारे खुदावन आपकी दया उनके हर एक क्षेत्र में बनी रहे। प्रभु जी पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के परिवार में आपका सुख समृद्धि बनी रहे। प्रभु आपका आनंद बना रहे। प्रभु हर एक काम प्रभु आपके नाम से बनने पाए। प्रभु जी क्योंकि आप अपने डरवैयों को कभी भी नहीं छोड़ते प्रभु, और आपका अनुग्रह प्रभु आपकी दया अपने डरवैयों के ऊपर होती है। प्रभु जैसे पिता की दया अपने बालकों पर होती है वैसे ही परमेश्वर आप की दया अपने डरवैयों के ऊपर होती है। यीशु मसीह हर एक के जीवन में आप अपनी दया को दें। प्रभु जी पिता आज आपके नाम से जो भी प्रभु घर से बाहर निकलते हैं अपने काम को अपने कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर एक का कार्य बनने पाए। प्रभु हर एक रुकावट हर एक खतरे मुसीबतों से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं यदि अभी भी कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह आप अपने चंगाई भरे हाथ पर हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और हर एक को छू लीजिए और चंगा कीजिए। प्रभु हम हर एक के लिए प्रभु तुझसे अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं आज पूरे दिन भर में। प्रभु तेरी आशीषों को मांगते हैं। प्रभु आप हर एक को हर एक गलत दुर्घटना से बचाएं प्रभु, शैतान की युक्तियों से बचाएं, लड़ाई झगड़ों से कलेश से परमेश्वर आप हर एक को प्रोटेक्ट करें। पिता हर एक बच्चे के लिए तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु अपनी स्टडीज कर रहे हैं प्रभु उन सबको आप प्रभु अपनी बुद्धि समझ ज्ञान दे, उन पर अपने दया को प्रभु बनाए रखे। परमेश्वर हर एक एडिक्शन में जो बच्चे पड़े हैं प्रभु उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें भी उन एडिक्शन से बाहर निकाले। प्रभु जी पिता हम हर एक जन के लिए प्रभु तेरी दया को उनके जीवन में मांगते हैं। प्रभु जो लोग जिन लोगों की रिश्ते नहीं बन रहे हैं परमेश्वर आप अपनी दया से प्रभु जी उनके रिश्तों को बनाए। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने संतान के लिए आशीषों को मांगते हैं प्रभु आप उन पर दया करें और उन्हें भी परमेश्वर संतान की आशीषों को दे। प्रभु यदि प्रभु किसका मिसकैरेज हो जाता है प्रभु आप उन पर दया करें, वो मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी यदि कोई प्रभु अपने घर से बाहर कहीं जॉब करने जाते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज को पाने जाते हैं यीशु मसीह आप अपनी दया को उन पर रखें। प्रभु उनके कामों को सफल करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के जीवन में आपका आशीष बना रहे, आपकी दया बनी रहे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में आपका कार्य होने पाए। परमेश्वर पिता प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जिन लोगों के प्रभु गलत केसेस उनके जीवन में चल रहे हैं प्रभु हम
हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी दया उन पर रखें प्रभु जी, आप उनके बिगड़े कामों को प्रभु बनाएं परमेश्वर पिता। प्यारे पिता हर एक की सोच समझ को प्रभु आप बदले प्रभु, यदि प्रभु किसी की सोच गलत है प्रभु यीशु मसीह आप उनकी सोच को बदले प्रभु, आप उनके जीवन में अपनी दया को दे प्रभु जी, हर एक के प्रति प्रभु आप दया को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु अपने वचन के अनुसार हर एक के जीवन में कार्य करते हैं, आप अपने विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करते हैं प्रभु, हर एक की सुधि लें, हर एक के कामों को आज पूरे दिन भर में बनाएं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।